अभी हम हैं बिस्पिट्टी के स्कूल में, और स्कूल के बारे में अगर कुछ बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पूरे इलाके में बिस्पिट्टी के आसपास जितने भी हैं, लक्ष्मी नगर हो, बैरगिया लोकेलिटी जो भी है यहाँ पड़सा, सारे लोग वहाँ से यहीं पे पढ़ने के लिए आते हैं। और पहले क्या था, ये सिर्फ 10th क्लास तक था, बट इसको अपग्रेड किया गया, पहले 12th किया गया। यहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई भी होती है, साइंस की, आर्ट्स की, और साथ में इसमें इंजीनियरिंग का भी एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है पिछले 2-3 साल पहले। और सबसे जो खास बात है इस स्कूल की वो ये है कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन है, मतलब जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा, मतलब शुरू से काफ़ी पहले से करीब करीब 20 साल पुराना फैकल्टी यहाँ पे जो है वो चीज़ चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ से क्वालिफाई करके निकल चुके हैं। अभी क्या है, कोरोना का थोड़ा अभी स्कूल बंद है इसलिए स्टूडेंट नहीं यहाँ पे, अदरवाइज ब्लाइंड लोग जो भी स्टूडेंट है वो हॉस्टल्स में ही रहते थे यहाँ पे। पीछे जो बिल्डिंग है सारा, ये सब प्लस टू के लिए लाइब्रेरी वगैरह, लैब वगैरह सारा जो भी है। और साथ में उधर सबसे एक खूबसूरत जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा इस स्कूल में, वो मंदिर भी है एक छोटा सा, अगर आप देख सकते हैं उधर। तो ये है जो क्लोज व्यू है यहाँ के मंदिर का, स्कूल का खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे नेपाली में कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैसे हाथ धोना है, तो बेसिकली कुछ मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 30 सेकेंड सम्मा साबुन पनी ले हाथ धोयो रहा कोरोना बाटा बचो, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेसिकली। तो पढ़ सकते हैं, पहले स्टेप में है कि दुबई हथके लालाई रामरी मिसनुच मिचनुस। भाई मुझे भी उतनी नेपाली आती है जितनी आपको आती है, बाकी आप खुद से पढ़ लें। दूसरे स्टेप पे दुबई हाथ माँ ओला एक आपस माँ छिरायरा मिचनुस, मतलब दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ रगड़ना है, ऐसे ही करके पूरा 6th स्टेप है। इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे कुछ जो है COVID-19 का गाइडलाइन है, जिसमें लिखा हुआ पहला जो हेडलाइन है वो है कोरोना वायरस रुक COVID-19। एक्चुअली में नेपाल में क्या है, वी जो हम लोग व पढ़ते हैं नेपाल में, उसको एक्चुअली प्रोनाउंस भ किया जाता है, तो जो सही नेपाली होगा उच्चारण यहाँ पे वो वायरस होगा ना कि वायरस, तो इसलिए वहाँ पे वायरस लिखा हुआ है। और उसके अलावा है जो भी चीज़ें हैं कोरोना वायरस रोग को मुख्य लक्षण रूप किया गया है, जोरो आउने मतलब फीवर, खोखी लागने मतलब वो जो खांसी, सांस फिरनी कहाँ घूरने मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा हम जूम सकते हैं नेपाली में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और नीचे जो है बेसिकली वो नेपाल का लोगो है ना, हाँ वो। तो यहाँ पे कुछ नेपाली है बेसिकली, मुझे ना उतना ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं आता, मंजर को पता है तो मंजर पढ़ेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा। मंजर पढ़िए। इसमें जो लिखा है, हाल विश्वभरी फैली रहे का नया कोरोना वायरस को संक्रमण बाटा लागे को रोग लाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 को नाम दिए को छ। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में जो अभी यह नई है ना नया कोरोना वायरस जो एक फैला है, इसे WHO ने COVID-19 का नाम दिया। अच्छा, दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है ना उसी को। जी, यस लाई विश्वव्यापी महामारी को रूप में घोषणा गरी सकिए कुछ, और इससे क्या है कि पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल की एक बीमारी इसको मतलब घोषित की गई है। दूसरा लाइन की दूसरा लाइन हम पढ़ेंगे, आप ट्रांसलेट की सोचिए उसका। कोरोना वायरस श्वास प्रवस वास को माध्यम बाटा सरने रोग हो, मतलब ये है कि मतलब ये सांस किस द्वारा, कोरोना वायरस जो है ना ये मतलब एक प्रभावित रोग है, बीमारी है ये तुम्हारा भी उतना नेपाली में हाथ कमजोर है। यो संक्रमित व्यक्ति ले खोकता हुआ क्या है यार, हाचियो गर्दा नाक और मुख बाटा निस्के का छीटा को माध्यम बाटा एक व्यक्ति बाटा अर्को व्यक्ति में ऑलमोस्ट है हिंदी जैसा, बट थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उसका। इसका मतलब यही है कि ये जो संक्रमित फैलता है, ये बीमारी जो फैलता है उसका ये है कि जब हम खांसते हैं
है ना इसका यार, पहले इतना करो ना, यो संक्रमित व्यक्ति ले फोकता हाँ हुआ। फोकदा व हाचदय गर्दा है ना, कि ये जो जिसे कोरोना होता है जब वो खांसी करता है या छींकता है तो उसके नाक से है ना, नाक व मुख बाटन इसके को है ना, छिट्टा को है ना, नाक या मुंह से जो निकलता है जो भी चीजें निकलती है थोड़ी सी है ना, एक व्यक्ति बाट अर्को व्यक्ति में सर्च है ना, अच्छा तो इससे होता यह है कि दूसरे एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये फैल फैलता जाता है वो जब है। जाता है तो वाह, चलिए हम लोग मतलब समझ रहे समझ रहे हैं हैं चीज़ों को। बाकी अब स्कूल का जो कुछ पार्ट है वो दिखाते हैं आपको। और ये जो पोर्शन है स्पेसिफिकली ये हॉस्टल्स के लिए है। यहाँ पे पहले भी हॉस्टल था बट इस ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, अब इसको एक्सटेंड करके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में लिया गया है। तो ये स्कूल का एक हॉस्टल है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी ज़मीन है इसके पास। आई होप अगर सही से काम करे तो काफ़ी अच्छा खासा एरिया है जिस पे काम किया जा सकता है। इतनी सारी ज़मीनें खाली है आगे पीछे, थोड़ा अगर मैं ऊपर छत से दिखाऊं तो आपको क्लियर व्यूज समझ में आएगा। और जब आप ये बैक वाले हॉस्टल जो अंडर कंस्ट्रक्शन के छत से आप देखते हैं तो स्कूल कुछ ऐसा दिखता है। सामने जो रेड कलर का बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में पहले लाइब्रेरी हुआ करता था, अभी भी है शायद। और उसके बराबर में जो जितनी भी वाइट कलर का वॉल दिख रहा है आप, वो सारा हॉस्टल्स है, सो बच्चे रहते हैं। और ये एक्सटेंशन पूरा नया हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन है। सामने ये बिल्डिंग है बेसिकली, ज़्यादातर इसमें लैब वगैरह ये सब है साइंस वाइंस वालों के लिए। और इधर 4-5 साल पहले ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ऐसा कुछ दिखता है स्कूल बिस्पिट्टी का, काफ़ी खूबसूरत स्कूल। के कुछ जो आचार संहिता के रूल रेगुलेशन है वो यहाँ पे आपको वॉल पे दिख जाएगा। जो श्री माध्यमिक विद्यालय बसपिट्टी बसंतपुर रामगोपालपुर नगर पालिका, एक्चुअली में ये पूरा अब नगर पालिका में कन्वर्ट कर दिया गया, नेपाल में वो पंचायत राज ख़त्म कर दिया गया तो यहाँ इसलिए यहाँ पे नगर पालिका लिखा हुआ है। और नीचे आचार संहिता के कितने सारे रूल है आप पढ़ सकते हैं। वर्ष भरी महाविद्यालय 220 दिन खुलने, 52 दिन कक्षा संचालन गरी अध्ययन अध्यापन कार्य करने, 6 माँ की ट्रांसलेशन आप खुद कर लीजिए विद्यालय में मद्यपान धूम्रपान सुद्रजी तथा लागू पदार्थ से वन माँ पूर्ण रूप में प्रतिबंध लगाऊ, 6 ये सारे चार संहिता के रूल है। और अभी स्कूल खुला नहीं है, बाकी अच्छे अच्छे कोटेशन हैं अंदर में लिखे हुए। और स्कूल में एक ये पीपल का पेड़ है, काफ़ी पुराना है, तो ये सिर्फ पेड़ नहीं है ये बल्कि स्टेज भी है क्या मंजर। यहाँ पे जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या फिर कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं, नेता लीडर वगैरह, उन सारों का मंच यहीं पे बेसिकली बनाया जाता है। तो ये ट्विन वन है, पेड़ का पेड़ और मंच का भी काम ये संभाल लेता है। और बाकी सामने जो ग्राउंड है इसमें आप ऑडियंस रहते हैं स्टूडेंट जितने सारे, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है इसका। इंट्रेंस मेन इंट्रेंस है स्कूल का, श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय बस पिट्टी बसंतपुर लिखा हुआ।